गुड मॉर्निंग क्लास एट. आई एम दीपाली प्रसाद फ्रॉम वर्धमान गवर्नमेंट स्कूल एंड आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश ऑफ क्लास एट. एंड टुडे वी विल स्टार्ट लेसन थ्री द फोर्स फ्लाइट. फोर्स फ्लाइट मीन्स इट मीन्स जो चीज है ही नहीं, मीन्स माइंड में इमेजिन करना और उसी को सच मान लेना. तो हम इसी से रिलेटेड एक स्टोरी इसमें देखेंगे. हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ डे ड्रीमर? इट मीन्स क्या आपने पहले कभी दिन में सपने देखने वालों के बारे में सुना है? हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ शेख चिली? इट मीन्स क्या आपने इससे पहले कभी शेख चिली की कहानियां सुनी है? अगर हाँ तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो बस दो ये दोनों चीजें हम इस स्टोरी में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. लेसन थ्री द फॉल्स फ्लाइट. शेख चिली एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज. शेख चिली और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे. वन डे शेख चिली सेड टू हिज वाइफ. एक दिन शेख चिली ने अपनी वाइफ से कहा, व्हेन आई गेट सम मनी आई विल बाय अ काउ. जब मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे तब मैं एक गाय खरीदूंगा. हिज वाइफ रिप्लाइड, देन आई विल मिल्क द काउ. वी विल नीड लॉट्स ऑफ क्ले पॉट्स. उसकी वाइफ उसे कहती है कि तब हमारे पास काफ़ी दूध होगा और उसके लिए हमें दूध रखने के लिए बहुत सारे मटकों की ज़रूरत होगी. शेख चिली, यस आई विल हैव टू गो टू बाय सम. शेख चिली कहता है कि हाँ, इसके लिए मुझे मटके खरीदने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा. नेक्स्ट डे हर वाइफ वेंट टू मार्केट एंड बोट सम पोर्ट्स. अगले ही दिन उसकी वाइफ मार्केट जाती है और कुछ पोर्ट्स मीन्स मटके खरीद के लेकर आती है. शेख चिली आस्क्ड हर व्हाई व्हाट डिड यू बाय. शेख चिली अपनी वाइफ से पूछता है कि तुमने क्या खरीदा. आई बोट फाइव पोर्ट्स, वन फॉर मिल्क, वन फॉर बटर मिल्क, वन फॉर बटर एंड वन फॉर घी. फिर उसकी वाइफ उससे कहती है कि मैंने पांच मटके खरीदे, एक दूध के लिए, एक छाछ के लिए, एक मक्खन के लिए और एक घी के लिए. वॉट इज द फिफ्थ वन फॉर? दैट इज फॉर कैरिंग सम मिल्क टू माई मदर, सेड हिज वाइफ. फिर उसकी पत्नी कहती है कि और मैंने पांचवा घड़ा अपनी मदर को बचा हुआ दूध देने के लिए खरीदा है. वॉट कैरी मिल्क टू योर मदर? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट? हैव यू गॉट माई परमिशन? शाउटेड शेख चिली. शेख चिल्ली चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या तुम अपनी माँ को दूध दोगी? इस यह करने से पहले क्या तुमने मेरी परमिशन ली? हिज वाइफ रिटॉर्टेड. रिटॉर्टेड मीन्स तुरंत गुस्से से जवाब देना. उसकी वाइफ उसे तुरंत जवाब देती है, देयर इज नो नीड फॉर योर परमिशन. यहाँ तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है. शेख चिल्लीज फेस टर्न रेड एंड ही ग्रैब द पोर्ट्स वन बाय वन एंड स्मैश्ड देम ऑल अगेंस्ट द वॉल. शेख चिली को गुस्सा आ जाता है और वह सारे घड़ों को दीवार के थ्रू फोड़ देता है. द वाइफ रिटॉर्टेड, आई एम द वन हु टेक्स केयर ऑफ द काउज एंड मिल्क इट. फिर उसकी वाइफ उसे फिर से गुस्से में जवाब देती है कि एक मैं ही हूँ जो गाय का और दूध का ख्याल रखूंगी. आई विल डू वॉट आई विश विथ एक्स्ट्रा मिल्क. तो यह मेरी इच्छा होगी कि मैं उसका क्या करूँ, मतलब मैं एक्स्ट्रा मिल्क का क्या करूँगी, यह मेरी इच्छा होगी. यू फुल आई वर्क एंड स्वीट ऑल डे एंड बाय अ काउ एंड यू गिव अवे द वैल्यूएबल मिल्क टू योर मदर, रोड द हस्बैंड. रोड मीन्स दहाड़ना और गुस्से से चिल्लाना. उसका हस्बैंड उसे गुस्से से जवाब देता है कि मूर्ख औरत, सारे दिन खेतों में काम मैं करूंगा, गाय मैं खरीदूंगा और एक्स्ट्रा मिल्क तुम अपनी माँ को दोगी, ये तुम्हारा राइट नहीं है, इसके लिए तुम्हें मेरी परमिशन की ज़रूरत है. अ नेबर केम टू देयर हाउस. फिर उन दोनों हस्बैंड वाइफ का झगड़ा देख एक नेबर मीन्स पड़ोसी उनके घर आता है. ही आस्क्ड द एंग्री हस्बैंड व्हाट इज़ द मैटर. और वह गुस्से से भरे हुए उसके पति को देखता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, व्हाई आर यू शाउटिंग, तुम चिल्ला क्यों रहे हो. दिस वुमेन इज गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम अवर काउ टू हर मदर. द नेबर आस्क्ड योर काउ. फिर उसका हस्बैंड कहता है नेबर से
कि यह औरत इट मीन्स वो अपनी वाइफ को कहता है कि यह औरत बचा हुआ दूध अपनी माँ को देगी। तो नेबर उनसे पूछता है, तुम्हारी गाय? यस द काउ आई एम गोइंग टू बाय व्हेन आई हैव इनफ मनी। ओह दैट वन, यू डोंट हैव अ काउ येट डू यू, सेड द नेबर। उसका हस्बैंड उससे कहता है, हाँ हाँ वही गाय जो मैं कुछ पैसे आने के बाद खरीदने वाला हूँ। तो नेबर कहता है, अच्छा वही गाय जो अभी तक तुम्हारे पास है ही नहीं। एंड नाउ टेक आउट पेज नंबर 15। द मेन सेड, जस्ट वेट आई एम गोइंग टू गेट वन। ओ रियली, नाउ आई नो व्हाट्स हैपनिंग टू माय व्हीट एंड कॉर्न, सेड द नेबर पिकिंग अप अ स्टिक एंड थ्रेशिंग हिज नेबर। फिर वह आदमी शेख चिली से कहता है, अच्छा तुम जरा रुको, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। अब मुझे पता चला कि मेरा व्हीट और कॉर्न कहाँ जाता है। और वह आदमी क्या करता है, एक स्टिक लेता है और शेख चिली को उससे पीटने लगता है। देन स्टॉप स्टॉप, वाई आर यू बीटिंग मी, शेख चिली से कहता है कि रुको रुको, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। योर काव इट्स बीन ईटिंग ऑल द व्हीट एंड कॉर्न इन माई कोर्टयार्ड एंड यू आर लेटिंग इट। फिर वह आदमी उससे कहता है कि तुम्हारी गाय मेरे खेत में से सारा मक्का और गेहूँ खा जाती है और तुम उसे खाने देते हो। वॉट व्हीट वॉट कॉर्न आई एम गोइंग टू सो आई हैव बीन प्लानिंग इट फॉर मंथ्स एंड योर काउ हैज़ बीन ईटिंग ऑल द व्हीट एंड कॉर्न। शेख चिली एंड हिज वाइफ सडनली रियलाइज्ड द ट्रूथ एंड दे हैड अ हार्टी लाफ। फिर शेख चिली उस आदमी से कहता है, कौन सा गेहूँ कौन सा मक्का, अभी तक तो मैंने कोई गाय खरीदी ही नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसा प्लान कर रहा हूँ, मतलब ऐसा करने का सोच रहा हूँ। फिर बाद में शेख चिली और उसकी वाइफ को सच का रियलाइज होता है, मतलब एहसास होता है कि अभी जो चीज़ है ही नहीं, हम उस बारे में लड़ रहे हैं। और फिर यह बात सोचकर दोनों हस्बैंड और वाइफ जोर जोर से हंसने लगते हैं। ओके तो ये हो गया यहाँ पे चैप्टर फिनिश। अब हम आगे इसकी ग्लोसरी देखेंगे। ग्लोसरी मीन्स वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज ग्रैब। ग्रैब मीन्स टू होल्ड समबडी और समथिंग विथ हैंड्स firmly, it means एक के बाद एक किसी भी चीज़ को हाथ से पकड़ना। smash, smash means to break something into pieces, मतलब किसी भी वस्तु को तोड़ना। retort, retort means a quick angry reply, मतलब तुरंत गुस्से से जवाब देना। roar, roar means to make a very loud sound या टू शाउट लाउडली, आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, टू मेक अ वेरी लाउड साउंड। इट मीन्स जोर से दहाड़ना या जोर से बोलना। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग मीन्स हिटिंग समबडी वेरी हार्ड, मतलब किसी को मारना या पीटना। तो यह वर्ड मीनिंग 1, 2, 3, 4, 5 फाइव वर्ड मीनिंग से यह आपको अपनी कॉपी में लिखना है। नीट एंड क्लीन लेसन 3 द फॉल्स फ्लाइट, एंड नीचे लिखेंगे वर्ड मीनिंग और आपको ये 5 वर्ड्स मीनिंग लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पीडीएफ में मैं आपको इस लेसन की एक्सरसाइज सेंड करूंगी। ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।